अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोटिवेशनल खताती से रिलेटेड है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आपके सामने खताती भी होती रहे और साथ साथ उन चीज़ों को भी ज़ेरे बहस लाऊँ जो कि हमारी ज़िंदगी को काफ़ी चेंज कर सकती है, और वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने वाली कौन सी चीज़ें हैं। वो हमारे ख्याल हैं। ख्याल भी दो किस्म का होता है, आप जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी मुस्बत ख्याल यानी मुस्बत सोच, और नेगेटिव जो होती है वो इंसान को भी नेगेटिव करती है, और जो पॉजिटिव होती है वो इंसान को भी पॉजिटिव करती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज की खताती के जो पहलू हैं वो दो पहलू हैं। एक तो ये है कि हमारी लर्निंग होगी, हमारी खताती बेहतर होगी, और दूसरा ये कि उस खताती के नतीजे में हमें एक इल्म भी हासिल होगा, वो इल्म जो कि हमारी कामयाब ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है कि जब आप कोई ख्याल सोचते हैं, अगर वो ख्याल होता है पॉजिटिव, तो आपके तमाम अमाल जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और बल्कि आपकी शख्सियत भी पॉजिटिव हो जाती है। और जब आपके ख्याल नेगेटिव होता है, मनफी होता है, तो फिर आप की शख्सियत समेत आपके तमाम आमाल भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी खताती है, और उसी खताती को जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ मैं दोहराना चाहूँगा। वो ये कि सुबह के वक्त आपके अंदर एक छोटा सा जो मुस्बत ख्याल पैदा होता है कि जो हमारा सुबह के वक्त अगर हम कोई अच्छी सोच सोच लें तो हमारे पूरा दिन जो है वो बेहतरीन गुजर जाए। तो इसीलिए आज की जो हमारी हमारा सबक है वो भी इसी से रिलेटेड है कि हम अपनी सोच को सुबह के वक्त जब हम पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा दिन जो है वो बिल्कुल मुस्बत अंदाज से गुजरेगा। तो आज की हमारी जो मोटिवेशनल कोट है वो यही है कि सुबह के वक्त एक छोटा सा मुस्बत ख्याल आपके पूरे दिन को जो है वो तब्दील कर सकता है। एक बार फिर सुन लें कि सुबह के वक्त एक छोटा सा मुस्बत ख्याल आपके पूरे दिन को जो है वो तब्दील कर सकता है। यही आज का हमारा सबक था। चलें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।